न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 जुलाई से शुरू हो रहे अनलॉक 2 और संचारी रोग अभियान की सफलता के दिए निर्देश, कहा संचारी रोग पर लगाए प्रभावी लगाम। चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना टेस्टिंग की रिपोर्ट की समीक्षा, कहा बढ़ाया जाए टेस्टिंग की क्षमता। कमिश्नरी में कार्यरत अपर आयुक्त न्यायिक प्रशासनिक अधिकारी तथा वरिष्ठ सहायक की सेवानिवृत्ति पर मंगलवार को आयुक्त सभागार में आयोजित हुआ विदाई समारोह, माल्यार्पण, अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर दी गई विदाई। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 342, जबकि 241 हो चुके हैं डिस्चार्ज, 13 लोगों की हो चुकी है मौत, एक्टिव केस 89। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। एसएसपी ने मंगलवार को पुलिस लाइन में बने कोविड केयर हेल्प डेस्क, महिला हॉस्टल, बाउंड्री वॉल सहित साफ सफाई व्यवस्था का किया निरीक्षण, सभी लोगों को थर्मल स्कैनिंग के साथ सैनिटाइज करने के दिए निर्देश। हाई स्कूल परीक्षा में जिला टॉप करने पर स्वाति साहनी को सपाइयों ने पार्टी कार्यालय पर स्मृति चिन्ह और 5100 रुपए देकर किया सम्मानित, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना। और लगातार हो रही बारिश से लोगों की बिगड़ी दिनचर्या, जलभराव से जूझते आए लोग, मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक सक्रिय रहेगा मानसून।